हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है। और ये हम पूरी सीरीज की बात करेंगे। ये हमारी सीरीज होगी यूके इंग्लिश प्रोग्राम के माध्यम से। आप पूरी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली उत्तराखंड की खबरें रहेंगी। ऐसी सीरीज हमारी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की चल रही है, आप वो भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आज उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ चर्चा में क्या कौन सी खबर है, तो उत्तराखंड में मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर में मिलेंगी अब सारी डिग्रियां। किस लॉकर में? डिजी लॉकर में। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिजी लॉकर का आइकन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। डिजी लॉकर में ये सारी डिग्रियां मिलेंगी आप लोगों को। चर्चा में क्यों है इसकी बात करेंगे, यहाँ पे प्रमुख बिंदु के तहत इसकी बात करने वाले हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम चर्चा में क्यों है। अगर इसकी चर्चा में बात करें, चर्चा में क्यों है, चर्चा बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम चर्चा में बात करें, तो 19 जून 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उच्च शिक्षा की तर्ज पर, किसकी, उच्च शिक्षा की तर्ज पर अब प्रदेश के, मतलब की उत्तराखंड प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS, कौन सी, MBBS, MBBS छात्राओं को डिजी लॉकर में के माध्यम से डिग्रियां एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र मिलेंगे। अब उनको क्या होगा कि जो अभी तक कागज के फॉर्मेट मिलते थे उसमें नहीं मिलेंगे, अब डिजी लॉकर मिलेंगे, किसी डिजी लॉकर में। ये चीज आपको कैसे लॉगिन करना होगा, क्या करना होगा, तो आपको अभी थोड़ी देर बता देंगे। थोड़ा सा रुको, अब ये समझ लो कि क्या बात की जा रही है। तो MBBS के छात्र छात्राओं को डिजी लॉकर में माध्यम से डिग्रियां और जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो डिजी लॉकर में मिलेंगे। इस संबंध में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का शीघ्र ही डिजी लॉकर के लिए एक सिस्टम तैयार करने के लिए निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिससे कि सबको यहाँ पे डिग्रियां मिलेंगी, उसके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सके। चल, प्रमुख बिंदु क्या है इसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चर्चा हुई है, बैठक हुई है, उसकी पूरी चर्चा हो चुकी है, रूपरेखा बन चुकी है। सिर्फ अब की बार में जो सेशन होगा, तो सारी डिग्रियां डिजी लॉकर में दी जाएंगी। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसके अलावा प्रदेश के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र का एक रंग नजर आएंगे। क्या बोला जा रहा है, जो अस्पताल होंगे और स्वास्थ्य केंद्र होंगे दोनों को एक नए रंग में नजर आएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को कलर कोड तय करने को कहा गया है। किस चीज को लिए कहा गया है, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए। साथ ही डीजी कॉलम बहुत से कलर आप लोगों को बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, कलरों के माध्यम से आप लोग वहां पे चॉइस कर सकते हैं। तो कलर कोड तय करने के लिए बात की जा रही है, जो कोड होंगे कलर के, कलर कोड वहां तय करने कहा जाएगा, जिससे सभी चिकित्सा इकाइयों को एक रूपता देखने को मिल सकती है। ये भी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्या बात की गई है उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम। ये नेक्स्ट और क्या बात की गई है यहाँ पे, बात करें तो बैठक में ये भी बताया गया है कि मेडिकल छात्र छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे, जिससे कभी भी मेडिकल छात्र अपनी डिग्री और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपकी खो गई, अब खो गई तो फिर आप कॉलेज के यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएंगे, काटेंगे, तब जाके मिलेगी। आप अपना आप डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे, अब जैसे ही आप डिजी लॉकर अपना डाउनलोड करेंगे, आपको तुरंत ही अपनी डिग्री और शैक्षणिक जो भी प्रमाण पत्र, जो भी आपको प्रमाण पत्र डिग्रियां कागज मिले हुए हैं, वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, क्योंकि आप प्रमाण पत्र किस में होंगे मिलेंगे, डिग्रियां किस मिलेंगी, तो आप लोगों को मिलेगा डिजी लॉकर में। नेक्स्ट क्या बात की जा रही है उसको देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि चिकित्सा शिक्षा का डिजिटलीकरण करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेजों को ई ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कौन से पोर्टल से, याद रखिएगा, ई ग्रंथालय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ने की बात की जा रही है, राजकीय मेडिकल कॉलेजों को और नर्सिंग कॉलेजों को, जिससे मेडिकल के छात्र छात्राओं किताबों की कमी से ना जूझना पड़े। अब इनको एक ई ग्रंथालय पोर्टल जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि सारी जो किताबें होगी मेडिकल की वहां पे आप लोगों को उपलब्ध होंगी, जिससे कि आपको ऑफलाइन अगर किताब नहीं पढ़नी है तो ऑनलाइन आप किताब जाके पढ़ सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए, नेक्स्ट और क्या बात की गई है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ई ग्रंथालय जो पोर्टल है, जो ई ग्रंथालय पोर्टल पर छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तक के अलावा शोध पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा छात्र छात्राओं के देश विदेश के मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये भारत के नहीं, ये भारत के साथ साथ विदेशों में जो भी कॉलेज हैं, डिग्री हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे भी वहां पे आप लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा, पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। राज्य में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रोगी पंजीकरण और शुल्क की दर एक समान की जाएगी। इसके लिए शीघ्र प्रस्ताव भी तैयार करने को शासन को भेजा गया है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।